रुक करते हैं प्रदेश की ओर। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने जिला मंडी के सराज विधानसभा क्षेत्र में बगाच नोगी में उप तहसील खोलने की घोषणा की है। उन्होंने सराज क्षेत्र के अपने एक दिवसीय दौरे के दौरान विधानसभा क्षेत्र में लगभग 13 करोड़ रुपए के विभिन्न विकासात्मक परियोजनाओं के शिलान्यास और उद्घाटन किए। इसके बाद उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि इस क्षेत्र के लोगों की पिछले 2 दशकों से पुरानी मांग चली आ रही थी, जिसका उन्होंने भी समर्थन किया था। उन्होंने कहा कि वे इस क्षेत्र के लोगों की आशाओं के अनुरूप कार्य कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने जिला मंडी के सिराज विधानसभा क्षेत्र में बागाच नोगी में उप तहसील खोलने की घोषणा की। उन्होंने सिराज क्षेत्र में अपने एक दिवसीय दौरे के दौरान विधानसभा क्षेत्र में लगभग 13 करोड़ रुपए की विभिन्न विकासात्मक परियोजनाओं के शिलान्यास व उद्घाटन भी किए। बागाच नोगी में उपस्थित विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र के लोगों ने पिछले 2 दशकों में उन्हें पूर्ण समर्थन दिया है, जिसके लिए वे इस क्षेत्र के लोगों की आशाओं के अनुरूप कार्य कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि दूर दराज क्षेत्र होने के नाते इस क्षेत्र को कई सड़कों और ग्रामीण सड़कों परियोजनाओं से जोड़ने के लिए विशेष बल दिया जा रहा है। उन्होंने लोगों से इस क्षेत्र में विकास की गति में और तेजी लाने के लिए सहयोग की अपील की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में देश समृद्धि और विकास के पथ पर अग्रसर है और राज्य के लिए गर्व की बात है कि प्रधानमंत्री हिमाचल प्रदेश को अपना दूसरा घर मानते हैं। उन्होंने कहा कि उनके गतिशील नेतृत्व के कारण भारत भविष्य में विश्व शक्ति बनकर उभरेगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने लोगों की समस्याओं, मुद्दों और शिकायतों का समयबद्ध निपटारा सुनिश्चित करने के लिए जनमंच का शुभारंभ किया है। जो लोग अपनी शिकायतों को दूर करने के लिए जनमंच में नहीं पहुंच पा रहे हैं, उनकी समस्याओं के निदान के लिए मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1100 आरंभ की गई है। मुख्यमंत्री ने बागाच नोगी में 86 लाख रुपए की लागत से निर्मित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का उद्घाटन किया। उन्होंने 150 लाख रुपए से निर्मित होने वाले बागाच नोगी में सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य उपमंडल के कार्यालय एवं सहायक अभियंता आवास की आधारशिला भी रखी। उन्होंने राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला बागाच नोगी दारबा, दारबा थाच और शिव कुटीर के भवन तथा बाटकी दार बस पहनी दार में वन निरीक्षण कुटीर के निर्माण के आधारशिला भी रखी। इस मौके पर स्थानीय ग्राम पंचायत के प्रधान परमदेव ने क्षेत्र की विभिन्न मांगों को मुख्यमंत्री के समक्ष रखा, जबकि स्थानीय नेता टिकट ट्राम ने क्षेत्र की सड़कों को दुरुस्त रखने का आग्रह किया। इस अवसर पर विष्णु मल्होत्रा देवता मंदिर समिति ने मुख्यमंत्री राहत कोष के लिए मुख्यमंत्री को 21,000 रुपए का चेक भी भेंट किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री की धर्मपत्नी एवं अध्यक्ष अस्पताल रेड क्रॉस सोसाइटी डॉक्टर साधना ठाकुर, वन विभाग के प्रधान मुखिया अरियनपाल अजय कुमार, वन अरियनपाल उपासना पटियाल, उपायुक्त ऋग्वेद ठाकुर, पुलिस अधीक्षक गुरुदेव शर्मा, अधीक्षक अभियंता हिमुंडा सुरेंदर, अधिशासी अभियंता ललित गुलजारी लाल सहित अन्य लोग भी उपस्थित रहे। आज के इस कार्यक्रम में आप सब ने काफी दिनों के बाद यहाँ बागाच नोगी, भाटकी धार और इस सारे इस इलाके में काफी अरसे के बाद आना हुआ। आप लोगों ने गर्म जोशी के साथ हमारा स्वागत अभिनंदन किया, उसके लिए मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि भले ही मैं देर से आया इस इलाके में, लेकिन फिर भी उसके बावजूद इस क्षेत्र में विकास के कार्य चल रहे हैं। और आज अगर हम सब देख रहे थे, लगभग 13 करोड़ की लागत से यहां पर बहुत सारे शिलान्यास और उद्घाटन के कार्यक्रम यहां पर संपन्न हुए हैं। कार्यक्रम में वक्त हो गया है ब्रेक का। ब्रेक के बाद जारी रहेंगी प्रदेश की गतिविधियां।